मैंने ना बच्चों को खाना दे दिया है क्योंकि ये अभी कहीं गए हैं बाहर काम से, तो ये अभी आ जाएंगे तो फिर हम लोग साथ में ही खाएंगे। और आज पता है मैंने चावल नहीं बनाया क्योंकि चावल थोड़ा नुकसान भी करता है, तो कभी बनाती हूँ तो कभी नहीं बनाती हूँ, ऐसे ही करती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि रेगुलर चावल बनाऊँ, लेकिन ज़्यादातर तो बनता ही है। कभी कभी सोचते हैं कि चलो नहीं बनाते हैं, थोड़ा नुकसान भी करता, बादी होता है चावल, इसी वजह से। तो खाना तो मेरा रेडी हो चुका है पूरा, और बच्चों को दे दिया क्योंकि बच्चों की अभी क्लास स्टार्ट होने वाली है, तो इस वजह से इनको पहले खाना खिलाना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद फिर मैं आगे बहुत सारे मेरे पेंडिंग काम हैं, उनको मुझे करना है, तो इसीलिए मैंने खाना जल्दी बना लिया और आपको खाने की कोई रेसिपी नहीं दी। तो आगे मैं जो भी करती हूँ उसको आप बने रहिए वीडियो में और आप देखिए। तो हो जाता है ना कभी कभी कि बहुत सारे काम पेंडिंग रहते हैं, उनको किसी न किसी दिन करना ही रहता है और ज़रूरी। तो चलिए, ये आ गए थे, देर तो काफ़ी हो गई थी, लेकिन हमने कहा अब हम लोग खाना खाने जा रहे थे। और इनको ना मैंने दही दे दिया था निकाल के थोड़ा सा, क्योंकि धूप धूप में बाहर जाना पड़ता है, तो दही दे दो तो थोड़ा ठीक रहता है हेल्थ के लिए, क्योंकि ये दूध नहीं पीते, दूध में बहुत नाटक रहता है ना इनका। और आज पता है मैंने दाल बनाई, बिल्कुल इसमें कोई तड़का वड़का वैसा नहीं दिया, सिर्फ हींग जीरा और घी, बस प्याज व्याज कुछ भी नहीं डाला, बिल्कुल सादा खाना होता है ना। कभी कभी ऐसा लगता है कि हम सादा खाना ही खाएं। तो खाना खाने के बाद फिर हम स्टार्ट करते हैं अपना काम, कुछ जो ज़रूरी है, घी बनाना है मुझे आज, और कुछ मिठाई बनानी है। तो चलिए खाना खा लेते हैं, आप भी खाना खाइए हमारे साथ और इंजॉय करिए इसी तरह वीडियो को। हाय, हाउ आर यू, और सब कैसे हैं? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, घर पर होंगे। काव्यान मम्मा ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर मिलते हैं एक रेसिपी के साथ। आज हम बनाने, रेसिपी तो नहीं है लेकिन हाँ, मेरा रेसिपी भी दूंगी, और साथ में मेरा क्या है ना, मलाई बहुत दिन से रखा हुआ था, बहुत दिन से मतलब 8 दिन लगभग हो चुके थे, और हमारा जो मलाई का बॉक्स है ना वो काफ़ी भर चुका था। तो अभी मुझे घी बनाना है, और उस घी बनाने के लिए मुझे पहले मक्खन निकालना पड़ेगा। मक्खन निकालने के लिए मैंने इस जार में मलाई ले ली है, इसमें 2 आइस क्यूब मैंने डाले हैं, और इनको मैं मिक्सी में चला दूंगी और मक्खन अपने आप निकल आएगा। तो चलिए मैं निकालते हैं किस तरह से निकालना है। देखिए मैंने इसको मिक्सर में थोड़ा सा चला लिया, अब देखिए एकदम मक्खन ऊपर निकल के आ चुका है। लेकिन इसको करने के लिए करना क्या है, हमें जो हमारा बॉक्स है मलाई का, उसको हमें पहले ही लगभग 4 घंटे पहले फ्रिज से निकाल के बाहर रख देना है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर रख देना है, और उसके बाद ही मुझे इसको मिक्सी जार में डाल के इस तरह से चलाने लेना है। किसी भी जार में आप डाल के चला सकते हैं, 2 आइस क्यूब डाल लीजिए या फिर ठंडा पानी डाल लीजिए, और देखिए आप कितना मस्त निकल के आया है, सॉरी, देखिए कितना मस्त निकल के आया, देख सकते हैं मक्खन एकदम प्योर है ना। तो इसी तरह से बनाइए आप भी, तो मेरा आज घी बन जाएगा। और बाकी आज थोड़ा वीडियो हमारा शूट लेट लेट स्टार्ट हुआ है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं घी बनाना इसी के साथ। देख रहे हैं दोस्तों, मलाई हमारी निकल गई है, बन गई, मक्खन बन गया है, मतलब मलाई को मैंने मिक्सर में कर लिया है और अभी चढ़ा दिया, और ये बनेगा आराम से। इससे क्या होता है ना, पूरा मतलब वो जल्दी बन जाता है और गैस कम खर्च होती है। तो चलिए घी हमारा बन रहा है, काफ़ी दिन से रखा था, और बहुत मैं मतलब वो सोच रही थी, रोज़ बॉक्स निकाल के बाहर रखती थी, रोज़ फिर अंदर रख देती थी, आलस हो जा रहा था कि कल करूँगी कल करूँगी कल करूँगी, लेकिन मेरा घी भी जो है वो ख़त्म हो रहा था। तो फिर मुझे आज बनाना ही था, मैंने कहा आज बनाई डालते, होता ना कभी कभी आलस हो जाता है कि नहीं ये काम आज करेंगे कल करेंगे आज करेंगे, ऐसे ही चलता रहता है। तो ये मैंने अभी चढ़ा दिया, तो अब फाइनली मेरा घी बन ही जाएगा। और चलिए तब तक दूसरा काम कर लेते हैं, थोड़े से बर्तन पड़े हैं तो बर्तन में धो लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। हाय, इसी तरह मिलते रहेंगे है ना मजे से। तो अभी देखिए मेरा घी तो बन रहा है ना, और उसी के साथ मैंने क्या आपको, मेरा दूध कई दिन से बच रहा था, रोज थोड़ा थोड़ा बच रहा था, तो मैंने इस दूध को भी चढ़ा दिया है, और इससे मिठाई बनने वाली है, जो कि अभी आप वीडियो देखते रहिए आपको ज़रूर पता चलेगा कि क्या बनाने वाली हूँ। तो मैंने दूध चढ़ा दिया है, दूध को इसी तरह करते रहेंगे मावा के तरफ आ जाएगा, रबड़ी पे आ जाएगा, तब हम उसमें और चीज़ें डालेंगे। तो देखिए दूध हमारा हो रहा है दोस्तों,
तो इसी तरह होने देते हैं उसको धीरे धीरे। एक साथ क्या है ना, दोनों काम हो जाएंगे, घी भी हमारा बन ही रहा है और साथ में ये भी हो जाएगा, दोनों काम हो जाएंगे। और ये क्या होता है ना कि इन चीज़ों को हम जब ही बना सकते हैं जब किचन में खाना या जूठन की चीज़ें ना पस रही हों, क्योंकि घी वगैरह व्रत में यूज हो जाता है, मिठाई भी इसी तरह व्रत में भी यूज हो जाती है। तो इस वजह से ही ना मैंने इसके लिए यही टाइम चूज़ किया कि शाम के समय ये जब खाना ना, सुबह भी खाने का रहता है शाम को भी खाने का रहता है। तो अभी क्या है, इस समय कोई किचन बिल्कुल साफ़ है, नीट एंड क्लीन, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि यही घी हम भगवान में भी दिया जलाते हैं, तो इस वजह से हमें उसमें सफाई चाहिए। तो अभी मैंने इसलिए यही टाइम चूज़ किया। और इसके बाद क्या है, खाना बनाने की तैयारी रहेगी, तो इस वजह से ये हम आराम से कर पाएंगे अभी। इसलिए मेरा घी बन रहा है, तब तक हम दूसरे काम कर लेते हैं और इधर दूध हमारा हो रहा है। देखिए दोस्तों, हमारा घी बन चुका है और थोड़ी देर के लिए इसको मैंने छोड़ दिया था और ये ठंडा भी हो गया। तो अब इसमें हम इसको इस बर्तन में हम छान लेंगे इस तरह से। आप चाहें तो ठंडा करें या फिर ना करें। और देखिए उधर हमारा बर्फी बनाने के लिए हमारा दूध हो रहा है, इसको भी हम थोड़ा सा चला देते हैं। तब तक अभी हो रहा है धीरे 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 धीरे, इसी तरह चलाते रहना है इसको, वो नहीं लग जाएगा। ये देखिए दोस्तों, दूध हमारा किस तरह से अब हो चुका है, लगभग रबड़ी बनने के उस पर है, रबड़ी बन ही गया है मतलब। और शाम के 5 बज रहे हैं, तो तब तक मैंने इसमें क्या किया है, इसी में बगल में चाय चढ़ा दी, क्योंकि चाय पीने का बहुत ज़ोर से मन कर रहा है। और आपको पता है मैं बोल रही थी लौकी की बर्फी बना रही, लेकिन लौकी मैंने ध्यान नहीं दिया, लौकी मेरे पास ज़्यादा था नहीं, थोड़ा सा ही लौकी था। तो चलिए जितना लौकी है उतने में ही हमें बनाना पड़ेगा, क्योंकि अभी मेरे हस्बैंड तो है नहीं जो मुझे ला कर तुरंत देंगे। तो चलिए थोड़ा सा ही लौकी था, उसी को मैंने इसमें डाल दिया इस तरह से घिस के। और अब हम इसमें इसी में अभी चीनी डाल देंगे और इसको इसी तरह से चलाते रहेंगे। देखिए चाय हमारी बन गई है और इसमें भी मैंने अभी चीनी डाल दी है, तो ये थोड़ा सा और पतला हो जाता है चीनी डालने से। तो इसको क्या है ना, फिर और थोड़ी देर पकाना पड़ता है, तब तक क्या साथ में लौकी जो हमने डाली थी वो भी पक जाएगी। और उसके बाद ये जब इसको एक क्या करेंगे, पानी में डालकर छोटी सी गोली बनाकर देख लेंगे, मतलब इसकी थिकनेस जो है उस वो थोड़ा सा देखना पड़ता है, जमने के उस पे आ जाए, बस उसको थाली में जमा लेना है, घी लगा कर के प्लेट में, थाली में, किसी में भी। चलिए जब तब तक चाय पीते हैं। और ये देखिए मेरे सिवाय सो के उठ के अभी आए और दोपहर की नींद ली है इनने, और उसके बाद मुंह भी नहीं धुला और लेके बिस्किट खाना चालू, इंजॉय करना चालू। क्या खा रहे हो शिवाय? बिस्किट खा रहे हो? और सुसु करने कौन जाएगा अभी? सुसु आई है? भैया सुसु आई है? सुसु आई है? चलने सुसु लगी है? सच्ची मुच्ची पहले बिस्किट खा लो फिर चलो। काजल तुम क्या खा रही हो? बर्थडे में जाओगी? खा लो शर्मा मत, बर्थडे में जाओगी? सच में? और कोरोना बहुत है, कोरोना मास्क लगा के जाओगी फिर तो खाना तो खाओगी नहीं वहाँ, क्योंकि मास्क उतारना पड़ेगा उसके लिए। क्या करोगी बताओ ना? तो आप तो बनाओगी ना? तो आप भी बर्थडे में जाओगे? बता दो बर्थडे में जाओगे क्या सुबह? देखिए बर्फी हमारी बनकर तैयार है, कितनी सुंदर बर्फी बनी है, आइए आप लोग भी खा लीजिए। और एकदम तैयार हो गई है, इसको थोड़ी देर के लिए मैंने फ्रिज में रख दिया था सेट होने के लिए, तो अभी ये बिल्कुल सेट हो चुकी है, अब इसको खा सकते हैं। इसके ऊपर मैंने थोड़े से ये पिस्ता डेकोरेशन के लिए डाल दिए, तो आप खाइए और खिलाइए अपनों को। और हमें ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आपने ये रेसिपी ट्राई की तो आपको कैसा लगा। और हाँ, साथ में ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको हमारा हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं ये आप हमें कमेंट में ज़रूर बताया करिए। थैंक यू, बाय, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।